दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित माँ जालपा जी मंदिर। ये जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ की ऊंचाई पर बना है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं और अपने मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। दोस्तों, इस मंदिर के साथ एक बजरंग बली मतलब हनुमान जी का भी मंदिर है, जो आप देख रहे हो स्टूडियो में। दोनों अगल बगल ही है। जब भी आप आइए तो ज़रूर जाइए घूमने। और दोस्तों, मंदिर के ऊपर से इस तरह का कुछ नज़ारा मिलता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलता है मंदिर के पास से। और ये हम लोग जा रहे हैं, तो ये रास्ते का वीडियो आप देख सकते हैं। जब हम लोग बजरंग बली के मंदिर की तरफ से जाते हैं, तो कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखता है रोड के पास से। जब भी आप जाएँ राजगढ़ जिला, तो इस मंदिर में आप ज़रूर जाइए। ये मंदिर के प्रवेश का मार्ग है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ शेर बैठे हैं, दुर्गा माता के जो सवारी हैं। और यहाँ पार्किंग भी आप कर सकते हैं अपनी गाड़ी की, मंदिर के जस्ट बाहर ही होती है। काफ़ी स्पेस है, आप देख सकते हो गाड़ियाँ लग रही हैं यहाँ पर। और बिल्कुल मेन रोड पर है ये मंदिर, बहुत ही अच्छी जगह पर है। और ये मैं आपको हेलो बोलता हुआ। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और दोस्तों, ये मंदिर के बगल में ये जगह है जहाँ पर आप बैठ भी सकते हो। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत ही नेचुरल प्राकृतिक दृश्य है, जहाँ पर आप काफ़ी सुकून भरे पल बिता सकते हो। और दोस्तों, ये बजरंग बली का मंदिर है, जहाँ आप देख सकते हो भगवान हनुमान जी विराजमान है यहाँ पर। ये नया मंदिर बना है, अभी रिनोवेट हुआ है। और ये मंदिर के बगल से आप देख सकते हो काफ़ी दूर दूर तक के रोड्स दिखाई पड़ते हैं, दूर दूर तक की दृश्य दिखाई पड़ते हैं। तो जब भी आप जाइए जालपा जी मंदिर, साथ में बजरंग बली के मंदिर ज़रूर आइए, दर्शन करिए और प्रसाद लीजिए। और यहाँ से इस तरह के दृश्य को आप देख सकते हैं। सुकून भरा मंदिर है ये। और ये मंदिर के अगल बगल की जगह हैं जहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है, आप आराम से बैठिए यहाँ पर। और अगर आप पैदल आना चाहते हैं, तो इसी के बगल से सीढ़ियाँ भी हैं जिनको चढ़ के आप आ सकते हो जल्दी से। अगर आपके पास कार या बाइक नहीं है, तो पैदल यात्रियों के लिए यहाँ सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। और दूर दूर तक बहुत अच्छा दृश्य दिखाई पड़ता है। अगर आप बरसात के सीज़न में जाते हो, तो बहुत ही बढ़िया होता है। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं वीडियो में, और लोग आ रहे हैं। और ये मंदिर में जब आप जाते हैं, तो घंटियाँ हैं। यहाँ से इस गलियारे से होते हुए आप मेन मंदिर के गृह तक पहुँच सकते हो। इस तरह के मंदिर हैं। और यहाँ पर बैठने की भी जगह है, और बगल में ठंडे वाटर की मशीन भी है, पीने वाला पानी भी है। और दोस्तों, जब भी आप जाइए ज़मीन पर देखकर जाइए, बहुत सारे चींटे होते हैं जो आपके पैर से दब के मर सकते हैं, तो ध्यान रखिए। और ये मंदिर के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं, मेन जालपा जी माँ के जो मंदिर है, उनका आप दर्शन कर सकते हैं इस वीडियो में। और ज़रूर जाइए, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और नवरात्रों में तो विशेष रूप से बहुत भीड़ होती है इस मंदिर में। नवरात्रों में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में। और मंदिर के ही बाहर रास्ते पर आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, उसको लेकर जाइए मंदिर में। और यहाँ पर देखिए, लोग मन्नत भी मांगते हैं, तो यहाँ पर धागे बंधे हुए मन्नत के, आप भी मन्नत मांग सकते हैं। और ये जो जगह आपको दिख रही है, ये मंदिर का गलियारा है जहाँ से होते हुए आप अंदर आते हैं। और बहुत ही हरियाली है इस मंदिर में,
बिल्कुल मेन रोड से है, राजगढ़ जिले का जो रोड है वहाँ से है, मध्य प्रदेश राजगढ़। और आराम से आप बैठिए यहाँ पर, मंदिर में आइए, बहुत ही बढ़िया मंदिर है, दर्शन करिए, अपने मित्रों के साथ आइए, परिवार के साथ आइए, जब भी मौका मिले आइए दर्शन करिए। और मंदिर के बाहर जब आप जाओगे तो इस तरह का एक जगह है जहाँ पर भंडारे वगैरह की व्यवस्था की जाती है टाइम टाइम से, और यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ कितने बढ़िया नज़ारा है। और इधर ही काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है, पानी की टंकी वगैरह भी है, पानी की कोई समस्या नहीं होती यहाँ पर कभी भी। और काफ़ी दूर दूर तक के नज़ारे, सनसेट आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, सनसेट अभी होगा बहुत देर, बहुत ही सुंदर जगह है। और ये शाम का वक्त है जब हम लोग गए थे, आप देखिए शाम के टाइम पे किस तरह से यहाँ पे बहुत ही प्यारा सनसेट दिखाई पड़ता है। तो शाम के समय आप जाएंगे तो अच्छा होगा, साथ में आप सनसेट का भी मज़ा ले सकते हैं, नेचर के साथ कुछ वक्त बिता सकते हैं सुकून भरे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और क्या आप कभी गए हैं राजगढ़ ज़िला कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपके रास्ते में राजगढ़ आता है अगर आप एमपी पे हो तो, अगर एमपी के नहीं हो तो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। तो दोस्तों ये अभी नया रास्ता बना है, बहुत ही आसानी से आप अपनी कार से आ सकते हैं मंदिर के अंदर तक। और मंदिर के पीछे का ये दृश्य आप देख सकते हो कितना सुंदर है मंदिर, जहाँ से आपको ये दिखाई पड़ रहा है। और मंदिर के चारों तरफ घूम के देखिए कौन कौन सी जगह हैं, एक्सप्लोर करिए, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और यहाँ पर लोग गौ सेवा भी करते हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं गौ सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। और ये चारों तरफ देखिए आप पेड़ पौधे हरियाली का दृश्य है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है, आप किसी भी मौसम में आइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया देखने के लिए।